Hello everyone, I am Namit Kumari, welcomes you all on my channel. Today we are start a new topic that is called retirement of partner. Before starting this point, we have to know what is a retirement of partner, right? Suppose करते हैं कि हमारे पास ABC तीन partners हैं and due to bad health, C wants to quit the company. He can do so by giving a prior notice. ठीक है? And when a partner, existing partner leaves the firm of any reason, then it can be called a retirement of partner. Right? So, when the partner is retired, he wants three things from the company, and that is, first, he wants his share of goodwill. Why? बिकॉज उस पार्टनर ने बिजनेस में अपना ऑनेस्टी लगाई, हार्डवर्क लगाया, टैलेंट लगाया, अपना कैपिटल लगाया, जिसकी वजह से फर्म की गुडविल इंक्रीज़ हुई. अब जब उसके काम करने की वजह से गुडविल इंक्रीज़ हुई थी, तो जब वो फर्म छोड़ के जाएगा तो उसको उस गुडविल में से हिस्सा भी मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अब वो प्रॉफिट के अंदर हिस्सा तो ले नहीं सकता, तो वो अपने गुडविल का शेयर लेकर जाएगा. सेकेंड, ही विल गेट शेयर ऑफ रिजर्व्स. Accumulated profits and reserves जितने भी firm के पास पड़े हैं उनमें वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा. And third, he wants share in revaluation. उसको revaluation के time पर जो profit या loss हुआ था उसमें हिस्सा दिया जाएगा. ठीक है? तो ये तीन चीज़ें हैं जो retired partner business छोड़ने के time लेकर जाता है. Clear है? Now, when the partners leave the firm, we have to calculate some, we have to do some accounting treatments, and today we are discussing about that only. The first accounting treatment is, of change in profit sharing ratio. Whenever a new partner, whenever an old partner leaves the company, leaves the firm, then new profit sharing ratio we have to calculate. Why it is so? क्योंकि जो पार्टनर फर्म में से जा रहा है वो अपना शेयर फर्म के पास ही छोड़ के जा रहा है. ठीक है? मतलब अगर वो पहले प्रॉफिट में 2/5 हिस्सा ले रहा था, अब वो 2/5 शेयर नहीं लेगा क्योंकि वो फर्म छोड़ के जा रहा है. वो शेयर मिल जाएगा पुराने पार्टनर्स को, तो इसका मतलब उनका जो पहले वाला प्रॉफिट शेयरिंग था वो चेंज हो जाएगा. ठीक है? इसी वजह से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है. लेट्स बिगिन दिस टॉपिक. Let's take example 1, because to calculate the new profit sharing ratio we have two things. First is simple method and second one is condition or situation. ठीक है? So we are doing right now simple method. Let's take an example that XYZ are partner and having profit sharing ratio as 3:1. When X retires from the firm, what will happen? अगर X firm छोड़कर जा रहा है तो आगे कौन बच गए? Y और Z. ठीक है? तो जो प्रॉफिट शेयरिंग उनकी पहले थी वो ही अब रहेगी, क्योंकि ये पार्टनर अपना हिस्सा इन दोनों को देकर जाएगा और वो इसी रेशियो में बटेगा. ठीक है ना? तो इसीलिए यही ओल्ड रेशियो थी, यही आपकी न्यू रेशियो बन जाएगी. ये हट जाएगा बस बीच में से, 2:1 ये न्यू रेशियो हो गई, और यही गेनिंग रेशियो होती है. सिंपल मैथड में जो न्यू रेशियो होती है वही गेनिंग रेशियो होती है. क्लियर है? नेक्स्ट है, सपोज वाई कंपनी छोड़कर चला जाता है तो रेशो क्या बन जाएगी? 3:1. और अगर जेड छोड़ के चला गया तो रेशो 3:2. क्लियर है? ये तो बहुत ईजी था, बेसिक क्वेश्चन था ये. अब हम मूविंग टुवर्ड द सेकेंड, दैट इज कंडीशन क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 2, ए बी सी आर पार्टनर्स एंड दे हैव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज 5:4:3, राइट? एंड बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म. बी रिटायर करता है फर्म से किसी रीजन्स की वजह से. Then his share divided equally between A and C. A और C को उसका शेयर इक्वल दे दिया जाता है, तो क्या होगा? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि B का कितना शेयर है जो दोनों को मिलेगा. ठीक है? देखिए, B का एक्चुअल शेयर क्या है? B's share is 5+4 9, 9+3 12. यानी कि एक सपोज कर लो कि अगर एक फर्म को 12 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस 12 रुपीज़ में से उसका शेयर कितना है? 4. ये देखिए, 4.
12 में से, ठीक है। तो अब क्या है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है। तो आपने देखा होगा बुक्स में इस तरीके से लिखा होता है, लेकिन ये कैसे बना ये आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, सपोज़ करते हैं मेरे पास 50 रुपीज़ हैं और वो मैं दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ इक्वली, यानी बराबर। तो मैं क्या करूँगी, 50 को 2 से डिवाइड करके 25-25 दोनों को दे दूँगी, ठीक है। अगर 3 पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिवाइड बाई 3 कर दूँगी। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर क्या है, आपका ये 4/12 फ्रैक्शन में है, नंबर में ना होके फ्रैक्शन में है, तो इसको हाफ कर दीजिए, ठीक है। और ये 6/5 में सभी ने सीखा था कि अगर हमारे फ्रैक्शन वाले डिजिट के नीचे जो नंबर है उसके नीचे एक और नंबर ना हो, जैसे यहाँ पर है ना 4/12, इसी तरीके से अगर इसके नीचे कुछ नंबर ना हो तो हम अज्यूम करते हैं कि वो 2/1 हो जाएगा। 1 अजम्पशन होती है हमारी, हम मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डिवाइड के नीचे डिवाइड सॉल्व ना करने के बजाय आप इस डिवाइड को ऊपर लेके जाओगे और आप इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे। जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं ये रेसिप्रोकल हो जाएंगी, यानी अपोजिट हो जाएंगी। 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट कर दो तो यानी कि ये बन गया 2/12। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/12 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ आया। ये देखिए, इस लेवल पे आकर ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। क्लियर है, 2/12 है जो इक्वली मिलेगा ए को भी और सी को भी। नाउ एज न्यू रेशो, अब ए की न्यू रेशो आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। पहले वो कितना ले रहा था, 5/12, ये देखिए 5/12 ले रहा था, प्लस इतना शेयर दोनों को मिल रहा है ना, तो यानी कि इसके में 2/12 ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों किया मैंने, क्योंकि ये शेयर इनको मिल रहा है, मिल रहा है तो मतलब शेयर बढ़ेगा। अगर मिस्टर बी अपना शेयर छोड़ के जा रहे हैं, बाकियों को मिल रहा है, यानी उनका शेयर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, इसीलिए मैंने प्लस कर दिया। 12 एलसीएम लेंगे आप, नीचे भी 12 नीचे भी 12, तो एलसीएम भी 12 ही आ गया। 5+2 दैट इज 7/12, ठीक है। नाउ बी तो जा चुके हैं, मिस्टर सी की बात करते हैं। सी इज न्यू रेशो इज, पहले उनका रेशो था 3/12, अब उन्हें 2/12 मिलेगा, इतना ही मिल रहा है ना दोनों को, तो आपने प्लस कर दिया 2/12 दैट इज 5/12। नाउ ये आंसर आ गया हमारा, एक ये आंसर आ गया। सो रेशो बिटवीन ए एंड सी इज 7/12 5/12, यानी कि 7:5, क्योंकि नीचे वाले जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों सेम है, तो हम 7:5 हमारी न्यू रेशो मान लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 7:5, सिंपल, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम एक और एग्जांपल पे, इसी एग्जांपल में से हम बनाते हैं एग्जांपल नंबर 3। वी हैव ए बी सी 3 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3, सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस एंड हिज शेयर टेकन बाय ए एंड बी इन 3:2 रेशो, ठीक है। जो मिस्टर सी हैं उनका शेयर जो है वो ए और बी में बांट दिया जाता है 3:2 रेशो में, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए विल गेट, ए को कितना मिलेगा, ए को, ए का नाम पहले है तो ये 3 इसी के लिए है, बी का नाम बाद में है तो 2 बी के लिए है, ठीक है। जिसका नाम पहले होता है ये शेयर पहले वाला उसी के लिए माना जाता है। तो अगर हम ए का शेयर निकालें कि ए को कितना मिलने वाला है, तो वो देखिए क्या कह रहा है, हिज शेयर टेकन बाय दिस इन दिस रेशो। हिज शेयर मतलब सी का शेयर, सी का शेयर कितना था 5+4+3 12, इस शेयर को बांटना है किसमें, 3:2 में, यानी कि 3/5, 5 कैसे हुआ, 3+2, ठीक है। रेशो ऑफ, ऑफ रेशो में बोला है इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया। जब भी किसी चीज़ को बांटना हो तो मल्टीप्लाई ही करोगे, जैसे यहाँ हमने किया था, ठीक है, मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आपका आ गया 3 3 9, 12 5 60। तो ए का नया शेयर क्या हो जाएगा, ए इज न्यू शेयर, क्योंकि ए को इतना शेयर मिल रहा है ना 3/12 का, 3/5 उसे मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 5/12 में उसको ऐड कर दो 9/60 को, क्योंकि उसको इतना शेयर मिल रहा है। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम मैं जानती हूँ आपको लेना आता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है ना, सो डोंट फील शाई, वी आर हेयर टू लर्न। 2 से सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जिन नंबर्स का आपने एलसीएम निकाला है वो रख लिया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे छोटा जो नंबर है वहाँ से टेबल स्टार्ट करना है, और वो नंबर जो आप टेबल यूज़ कर रहे हो ना, ये नंबर उस टेबल में कट जाने चाहिए। जैसे कि 2 के टेबल में 12 और 60 दोनों आता है, तो 2 के टेबल से काट दीजिए, 2 6 12, 2 3 6 एंड दिस, ठीक है। अगेन ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 3 6,
215 जा। अब ये 2 के टेबल से नहीं कट सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगला टेबल पढ़िए 3 का टेबल, ठीक है। यू हैव टू मूव ऑन टूअर्ड द नेक्स्ट टेबल, ठीक है। तो 3 का हम पढ़ेंगे, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15। नाउ दिस विल नॉट कट फ्रॉम 3 टेबल ऑफ 3, सो लेट्स मूव ऑन टूअर्ड द टेबल 4, टेबल 4 से भी नहीं होगा, देन टेबल 5, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी डिजिट्स आए हैं ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो यही आपका एलसीएम हो गया, क्लियर है। एक और तरीका बता देती हूँ शॉर्टकट, कि अगर दोनों नंबर ऐसे हैं जो सेम टेबल से कट सकते हैं, तो बड़ा वाला जो है वही आपका एलसीएम हो जाता है। नाउ आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो आंसर आएगा ऊपर वाले के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, 12 फाइव ज़ा 60 होता है ना, 12 फाइव ज़ा 5 पे कट गया, तो 5 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 फाइव ज़ा 25, प्लस 60 को 60 से करोगे तो 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही आएगा, तो 34 बाय 60 आपका आंसर हो गया। तो ए का नया शेयर आपके पास आ चुका है, क्लियर है। नाउ बी विल गेट, बी को कितना मिल रहा है, बी के पास पुराना शेयर था 4 बाय 12 प्लस उसे कितना, सॉरी 4 बाय 12 ओहो सॉरी सॉरी बी विल गेट, बी को कितना मिल रहा है, बी को हम दे रहे हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसके शेयर से ये वाला हिस्सा दे रहे हैं। तो 3 बाय 12 को आप बांट दोगे इस वाले रेशियो में, तो ये आपका हो गया दिस, ठीक है। तो बीज न्यू शेयर या बीज न्यू रेशियो, आप न्यू रेशियो भी लिख सकते हो, कितनी आ रही है बी की न्यू रेशियो, बी के पास पुराना शेयर था 4 बाय 12 प्लस करेंगे हम उसे 6 बाय 60 प्लस करेंगे ना, ये मिल रहा है ना उसे, तो आपने अगेन एलसीएम लेना है 12 फाइव ज़ा 5 फोर ज़ा 20 प्लस 6 दैट इज 26 बाय 60। सो न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी दिस वन एंड दिस वन, 34 बाय 60 इज टू 26 बाय 60। आपका आंसर यही हो जाता अगर ये दोनों नंबर एक टेबल से ना कट रहे होते, बट दीज नंबर्स कैन बी कट फ्रॉम वन टेबल, सो वी हैव टू डू दैट। आपको यहीं पर नहीं छोड़ना है, एग्जाम में नंबर कट सकते हैं आपके, आपको इसे तब तक कट करते रहना है जब तक ये दोनों नंबर ऐसे नंबर ना बन जाएं जो किसी भी टेबल से नहीं कट रहे। लाइक ए इज टू बी, 2 के टेबल से कट रहा है ना, 2 वन ज़ा 2, 2 सेवन ज़ा 14, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6। अब ये देखिए ये दोनों ऐसे नंबर बन गए जो अलग अलग टेबल से कटते हैं, ये 17 से कटेगा, ये 13 से कटेगा, बट ये दोनों सेम टेबल से नहीं कट रहे, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 7:13, ठीक है, इससे आगे कट कर ही नहीं सकते आप, क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज करते हैं हमारे पास 3 पार्टनर हैं, राम, मोहन एंड श्याम, एंड दे हैव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज दिस, ठीक है। आपको कुछ डिफरेंस नज़र आया इनमें और उनमें, इन क्वेश्चंस में क्या था, पहली बात तो फ्रैक्शंस नहीं थे, यहाँ फ्रैक्शन है। दूसरी बात, फ्रैक्शंस जो है ना, मतलब ये जो नीचे के डिनोमिनेटर्स है ना, ये सेम नहीं है। हमेशा रेशो बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को रेशो बनाने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी सेम। अब सेम नहीं है तो बनाइए, कैसे बनाओगे, थ्रू एलसीएम। एलसीएम मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालना है, तो आपने एलसीएम लिया ये, ठीक है। तो अब ये आ गया राम, मोहन एंड श्याम, क्लियर है। अब आप आगे का काम करेंगे। अब क्या कहता है कि मिस्टर राम जो है वो रिटायर हो गए हैं, एंड हिज शेयर टेकन बाय श्याम एंटायरली, मतलब पूरी तरह से उसका जितना भी शेयर था ना, वो पूरा का पूरा श्याम को मिल गया है, क्लियर है ना। इसका मतलब क्या बना कि शायद राम के साथ श्याम की बहुत बनती थी, इसीलिए जाने के टाइम वो अपना शेयर उनको देकर चले गए, और मोहन से थोड़ी नाराज़गी थी इसलिए मोहन को शेयर नहीं दिया। तो अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल सा लॉजिक है, जब मोहन को कोई शेयर मिला ही नहीं, तो क्या मोहन की रेशो में कोई चेंज आएगा, नो। मोहन पहले भी 4:6 ले रहा था, मोहन आज भी बेचारा 4:6 ही लेगा, ठीक है। तो चेंज किस में आया, सिर्फ श्याम के शेयर में चेंज आया, तो निकाल लीजिए जिसमें चेंज हुआ है, श्याम्स न्यू रेशो। श्याम के पास पुराना शेयर था 1:6, अब ये वाली रेशो खत्म हो गई है आपकी, एलसीएम लेने के बाद ये रेशो हो गई है ना, ठीक है। तो यहाँ से काम करना है आपको, 1:6 प्लस राम का शेयर मिल रहा है यानी कि 3:6, तो आपने एलसीएम ले लिया यानी कि 4:6।
तो श्याम की न्यू रेशो है 4/6 और मोहन की रेशो जो है मोहन्स शेयर रिमेन अनचेंज. इसका तो शेयर अनचेंज रहेगा यानी कि इसके पास कितना है मिस्टर मोहन के पास है 4/6. ठीक है तो न्यू रेशो जो है श्याम की एंड मोहन की वो क्या बन जाएगी. मोहन का नाम पहले है तो हम पहले मोहन लिखेंगे. मोहन एंड श्याम रेशो क्या है मोहन की है 4/6 श्याम की भी 4/6 डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा बट दिस नंबर कैन बी डिडक्ट फ्रॉम द टेबल ऑफ 4 सो न्यू योर आंसर विल बी 1:1 4 1s are 4 4 1s are 4 इक्वल पार्टनर्स बन जाएंगे आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ राम. So this is the topic how to calculate new ratio. I hope you have understand this topic. Now you can practice some more questions from your book. If you like my video, please subscribe, share, comment and like also. Thank you.